एक बार फिर सीता सोरेन ने राज्य सरकार के कामकाज और नेतृत्व को निशाना बनाया है। सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर लूट खसोट करने का आरोप लगाते हुए नई योजनाओं को सरकार के अंतिम समय में शुरू करने पर सवाल खड़ा किया। सीता सोरेन ने कहा कि दुर्गा सोरेन की आज जयंती समारोह था और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पति के बताए हुए नक्शे कदम पर सरकार चलती तो शायद झारखंड का ये हाल नहीं होता। देखिए, आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पूरा जिला कमेटी और कई हमारे जिस तरह से दुर्गा सोरेन सेना के सभी सदस्य के सभी टीम मौजूद है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बारे में सब कोई जानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आज जो लीडर जिस तरह से झारखंड सरकार चल रही है और ये बहुत बड़ी सीख है कि हमको जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नक्शे कदम से सबको चलना चाहिए था। आज जो झारखंड की परिस्थिति है और झारखंड को जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी शेर दुर्गा थे और युवाओं के दिलों के धड़कन थे, तो उनके विचारधारा की आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो ये कमियों को जो झारखंड सरकार में दिखाई दे रही है, तो अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के जैसे नेता होते तो